आज हम इस वीडियो में आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना सीखेंगे। अगर आप आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी जो कि 12 अंक का होता है, जो कि आधार कार्ड की फ्रंट साइड पर आपको दिख जाएगा। या आपके पास आधार कार्ड की बैक साइड है तो यहाँ पर आपको आधार नंबर दिख जाएगा। या आपके पास जो आधार कार्ड का जो ऊपर का हिस्सा होता है ये है, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर दिख जाएगा, जो कि ये दिख रहा है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, आपके पास एनरोलमेंट नंबर है, तो इससे भी आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए ज़रूरी चीज़ है जो कि आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं। और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता रहनी चाहिए आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए। और आपको आपके नाम की स्पेलिंग पूरी सही से याद रहनी चाहिए, एकदम राइट एक्यूरेट। और मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइस, मैं आधार कार्ड की वेबसाइट पे आ चुका हूँ और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, uidai.gov.in टाइप करने के बाद इस वेबसाइट पे आ जाओगे। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड आधार, यहाँ से आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार के पेज आएगा, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड आधार। तो यहाँ पर आधार कार्ड आप तीन नंबर से कर सकते हो, जैसे आधार नंबर से आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, एनरोलमेंट आईडी से, वर्चुअल आईडी से। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी आईडी नहीं है, नंबर नहीं है, तो आप आधार कार्ड नहीं डाउनलोड कर सकते। जैसा कि मेरे पास आधार नंबर है तो मैं अपना आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर लूँगा। और जो ये कैप्चा दिख रहा है, और यहाँ पर आपको इस ये वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद जैसा कि मैं फिल कर लेता हूँ, जैसा कि गाइस मैंने अपना आधार नंबर और ये कैप्चा यहाँ पर फिल कर लिया है। फिल करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपका आपके जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। जैसे कि मैंने ओटीपी फिल कर दिया जो मेरा आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ चुका था। और यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन पे यस पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप बाद में भी आधार कार्ड की वेबसाइट से आधार कार्ड को प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। तो और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आप इस वाले पे भी यस पे क्लिक कर देंगे, इस वाले टिक पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि आप बाद में कोई आधार कार्ड की तरफ से रीप्रिंट का SMS चाहते हो तो इस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं चाहते SMS प्रिंट का मैसेज तो डेट नॉट रिसीव पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं चाहता हूँ तो इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है वेरीफाई एंड डाउनलोड। अब आप आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दिए वेरीफाई एंड डाउनलोड पे। अब जैसे ये आपके आधार कार्ड की कॉपी डाउनलोड हो जाएगी, ये आधार कार्ड की फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। इसको ओपन करने के लिए आपको अपना नाम की स्पेलिंग याद रहनी चाहिए और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका ईयर माने कि जो सन है वो याद रहनी चाहिए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम संजय है तो उसके जो चार लेटर हैं जो फ्रंट साइड से माने आगे की साइड से स्टार्ट होते हैं, जैसे चार लेटर जैसे संजय के SANJ, जो चार लेटर हैं इन लेटर को कैपिटल में टाइप करना है। और जो इसकी ईयर है जैसे कि मान लेते हैं 1 जनवरी 2001, तो आपको 2001 टाइप करना है, जैसे कि SANJ और 2001 टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपका जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है ये ओपन हो जाएगी। जैसे कि इस पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल का पासवर्ड है, जैसे कि इसका नाम है RINK, ये चार लेटर कैपिटल में हो गए इसके नाम के फ्रंट के रिंकों के। और अब इसकी ईयर हो जाएगी, जैसे कि ईयर का जैसे सन होता है केवल सन 2001 टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद हमें ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे जैसे ही क्लिक करा तो ये आधार कार्ड
पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो चुका है और ये ओपन भी हो चुका है। अब इस फाइल को आप अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं, या अगर आप इसे चाहते हो प्रिंट करके निकलवाना तो प्रिंट करके निकलवा भी सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।